हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज बताऊंगा आजकल क्या है कि लैपटॉप में स्लो, जैसे कोई लैपटॉप आपने लिया मार्केट से, नए लैपटॉप लिए हैं और लगभग आप लोगे आजकल मार्केट में तो लैपटॉप स्टार्ट होता है 30-40 हज़ार रुपये से। 30-40 हज़ार रुपये लगा के भी आप मतलब संतोषजनक ऐसे नहीं कि अपना लैपटॉप अच्छा चल रहा है या स्पीड नहीं आ रही है, तो इसके लिए मैं आपको आज बताऊँगा कि जो आपके पास पुराना लैपटॉप हो या नया लैपटॉप हो, आप चाहते हो कि स्पीड नहीं आ रही है, नेट की स्पीड नहीं आ रही है या फिर प्रोसेसिंग नहीं है, ब्राउजिंग नहीं हो रही है, इसके लिए मार्केट में आजकल एक नई चीज़ आई है जो जिसको बोलते हैं अपन SSD, साटा सॉलिड ड्राइव नाम है उसका। तो वो अलग अलग कंपनियों की आती है, जैसे W की है, WD की है, ग्रीन आती है। इसमें दो प्रकार की आती है, एक तो WD ग्रीन करके आती है और एक ब्लू भी आती है, ब्लैक भी आती है। इस तरह की अब इक्विजन की SSD है, ये भी आती है मार्केट में, कुछ सस्ती है कुछ महंगी है। ये है ए डाटा की, कुछ कई SSD है, ए डाटा सबसे अच्छी है। ये है सैमसंग की, ये इससे अच्छी है। इसका क्या परफॉर्मेंस होता है कि जो अपना लैपटॉप बहुत स्लो चलता हो अपने उसी है स्पीड, आजकल क्या है कि स्पीड का ज़्यादा ही थोड़ा चल रहा है, तो इसके लिए आप ये अपने लैपटॉप में लगा सकते हो। ड्यूल कोर हो या i3 हो, i5 हो, तो आप SSD लगा लो। तो SSD लगाने पे आपके लैपटॉप की स्पीड बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी, अच्छा चलने लग जाएगा। जो भी आप प्रोसेसिंग करोगे, टाइपिंग करोगे या फिर मतलब कोई ऑफिशियल वर्क है या फिर कोई डिज़ाइनिंग वर्क है या फिर फोटोशॉप का वर्क है, सब अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगा। तो आपको ऐसे लगेगा यार कहाँ लैपटॉप पुराना था, कहाँ नया है। मतलब उसके जो ड्यूल कोर है वो लगभग आपके i3 के इक्वल स्पीड आ जाएगी उसकी, और i3 है उसका i5 के लगभग स्पीड आ जाएगी। SSD का दी फर्स्ट परफॉर्मेंस है SSD का, लगवा के आप देख सकते हो, मार्केट में मिल जाएगी। आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन करवा के देखो, बड़ी अच्छी है SSD है, बढ़िया परफॉर्मेंस आता है इसका SSD का, शानदार परफॉर्मेंस। तो मैं आपको ये बताया, आपने मैंने आपको जो आपको अच्छा लगे तो आप अपने PC में या लैपटॉप में, डेस्कटॉप में आप करवा सकते हो।